गरम गरम मोमोज और सॉस, ये चाइनीज डिश तिब्बत और नेपाल से होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न टाउन्स तक तो आखिर पहुंच ही गया, पर नॉर्थ ईस्ट से हिंदुस्तान के बाकी शहरों तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। मोमोज इंडिया का एक नया स्ट्रीट फूड ऑब्सेशन कब बना, चलो ये पता करते हैं। जायगांव डिस्ट्रिक्ट से आई हुई श्रीजना जब मुंबई आई तो उसे अपने घर के मोमोज बड़े याद आते थे। I used to love my authentic food like momos, thuppa and all. Here I never used to get that. The main thing that I just want to explore the momos. What Mumbai was serving was very bad, and I just want to make them flavored with the actual momos. Gravy ko bol, ting mo lagi, thai mo lagi. और बस तब समझो शुरुआत हुई एक ऐसे रेस्टोरेंट की जिसने मुंबई शहर का दिल जीत ही लिया। वेल और टम्पलिंग खांग में सिर्फ मोमोज नहीं लेकिन तरह तरह का टिबेटन खाना मिलता है। लेकिन इससे पहले कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाना ट्राई करें, मैं पहुंच चुकी हूँ श्रीजना के घर पे ही और जाके उन्हीं से उनकी कहानी के बारे में पहले सुनते हैं। After completing my school, I did my IHM from Good Shepherd IHM, and when it's a milestone for me, it was very hard. I was unwell for near about 7 months, so I didn't even was not able to clear my exam. But I been trained with the Taj Hotel. I came and started doing job at the Oberoi Nariman Point. Here when I wanted to start the restaurant also, it's not easy. Mumbai is not easy to do a small business also. श्रीजना ने बिजनेस की शुरुआत की थी सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट किचन से। उसे 4 साल में 4 बार अपना घर भी बदलना पड़ा। बिना किसी की मदद और कोई फाइनेंशियल हेल्प के वो अपना बिजनेस अकेले चलाती रही। लेकिन घर से दूर रहना काफी मुश्किल होता है, एंड लाइफ वॉजंट दैट इजी ऑन हर। Early morning, I got a call from my. He called me up, and I didn't receive. So he has just messaged me that he is taking my mother to the hospital. So I called him. So he said, "Mama is not well." It's very, you know, to be away from home is biggest. Hardest thing when someone is not well. I keep on saying. Then I feel ki we should not be away from home. Medical is not close. We have to come 4 hours. Yeah. And she got this attack and she got right side paralyzed. If she could have got early medical, this could not be a situation right now. घर से दूर होते हुए अपने माँ के पैरालिसिस से परेशान होते हुए भी श्रीजना ने हिम्मत नहीं हारी और फिर कई मुश्किलों से लड़कर सिर्फ अपनी मेहनत के साथ श्रीजना ने सांता क्रूज के वकोला एरिया में डंपलिंग खांग नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया, मेकिंग इट अ पॉइंट टू मेक समथिंग आउट ऑफ हर लाइफ। हर लव फॉर हर लोकल फूड टुक हर प्लेसेस। Srijana today has 2 restaurants in posh suburbs of Mumbai, Bandra and Santa Cruz, with 15 people in her team. Srijana
से तो हमने उनकी कहानी के बारे में जान लिया, लेकिन यहाँ के खाने के स्वाद के बारे में जानने के लिए तो हमें ये खाना ट्राई करना पड़ेगा। आई एम स्टैंडिंग राइट आउटसाइड डंपलिंग खांग एंड आई कांट वेट टू रियली टेक अ टेस्ट ऑफ सम ऑफ द ऑथेंटिक फूड दैट श्रीजना हैज इन स्टोर फॉर अस। लेट्स गो एंड कैच अ कुकिंग। बात जब नॉर्थ ईस्टर्न खाने की आती है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एवरीवन्स माइंड इज अ हॉट प्लेट ऑफ स्टीमिंग मोमोज एंड थुक्पा, राइट। बट एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट का सारा खाना सिर्फ मीट से बनता है, वेयर एज द रीजन एक्चुअली प्रोड्यूसेस लाइक अ लॉट ऑफ गार्डन प्रोड्यूस व्हिच इज रियली फ्रेश एंड रियली डाइवर्स। आई हैव लाइक अ प्लेट फुल ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई जस्ट कांट कीप गेटिंग इनफ। दिस फूड इज रियली सो डिलीशियस, इट्स सो ऑथेंटिक, दिस इज रियली ऑथेंटिक, रियली फ्लेवरफुल एंड रियली टेस्टी। Although it smelled so amazing when we were in the kitchen before this, when the food was being prepared, it's just outstanding. Srijana ke haath ka bana khana humne usi ke saath baith kar khaya. We had a long chat and spoke of some funny stories from her cooking experience. Srijana ne Mumbai aakar apna sapna jee liya hai, and that too quite successfully. The conviction as to what she wanted combined with a love for local food made her make it big in the city of dreams, Mumbai. If you know of more such inspiring stories, please do let us know in the comments below.